अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं शादी में, कोई शादी किसकी है वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अपनी वीडियो में साथ ही रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे रिदा जो है वो बाहर के नज़ारे ले रही है और देख रही है कि बाहर क्या है, और मुझे बार बार सवाल कर रही थी कि मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं, किसकी शादी में जा रहे हैं। तो फिर मैं उसे बता रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो फाइनली हम फिर आ गए थे शादी में। और असन ने ना आते ही सिर्फ जो है वो पापड़ खाने शुरू कर दिए। असन का यही हाल है कि असन ना जहाँ कहीं भी जाता है ना, बस इसे सिर्फ चीज़ से होती कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, ये मिल जाए। पहले तो ये था कि ये खिलौने की फरमाइश करता था, लेकिन अब ये है कि बस लेज़ हो और कोल्ड ड्रिंक वगैरह या जूस वगैरह की फरमाइश करता है। तो फिर बस यहाँ पे ये मीरब का ड्रेस है, बिल्कुल मैंने सिंपल इसके लिए लिए हैं, हाथ से ना सिले हुए लॉन के पीसेस, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो फिर वो दूसरे लेती ना फैंसी ड्रेस, तो फिर बेचारे के लिए मुश्किल हो जाना था। फिर ऊपर से ये हुआ कि जिस दिन हम शादी में गए इतनी आंधी और बारिश आई ना, लाइट ही साथ ही चली गई है, उसके बाद आई नहीं। और फिर रिदान को भी मैंने फ्रॉक पहनाई थी, फैंसी फ्रॉक। मैंने कहा मेहंदी है चले मुझे चेंज ना करना पड़ेगा। हम दोनों ने सेम सेम पहन लिया था, लेकिन रिदा ने तो फ़ौरन से ही उतरवा दी, कहती कि नहीं मैंने नहीं जो है पहननी, उतार दिया। फिर इसने ये वाला ड्रेस पहन लिया था जो मैंने आपको दिखाया है। तो बस फिर ना ये कुछ मिले जुले बिलो ये मैंने ना बनाने की कोशिश की है वीडियो एक, तो मिले जुले क्लिप्स मैंने ऐड कर दी हैं। तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर नेक्स्ट डे ये मीरब ने ये वाला ड्रेस पहन लिया था, और विदा अभी तक सो रही थी, और मीरब को मैंने तैयार करके ना इसके साथ लुटिया भी दिया था ना। तो ये वाला मीरब ने पहना है और रिदा का भी ऐसा ही है, तो दोनों सेम सेम हो गए। और फिर इसके बाद मैंने ना ये वाला इसने पहन लिया था, और इसमें ये माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी ना, तो ये कह रही मम्मा मेरी वीडियो बनाओ, हसबीर अभी जलल्ला, तो उसमें काफ़ी आती है ना पीछे लगा होता है। तो वो बस वो कह रहे थे मैं ऐसे बनाओ, मैंने कहा उसके जैसा करो तो सही, जैसे वो करती होती है। तो बस फिर यहाँ पे ये कर रही थी। धूप आप देख लें कितनी ज़्यादा शदीद है, और गर्मी के मौसम में शादी पर जाना तो कितना टफ हो जाता ना, अगर हम ये वाला ड्रेस ना पहन रेशमी तो फिर भी गुजारा नहीं होता। तो बस ये शादी किसकी थी, ये शादी मेरे दोस्त की थी, वो मेरी काफ़ी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसकी शादी में हम आए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपनी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है।